दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के बीते वीकेंड के बाद एपिसोड की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने आशिका भाटिया को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी हां दोस्तों, आशिका भाटिया घर से बेघर हो चुकी है और आज के एपिसोड के दौरान हमें उनका एविक्शन दिखाया जाएगा। जी हां दोस्तों, सलमान खान ने फेम ग्रुप को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ कर रख दिया है और ऐसे में दोस्तों आशिका भाटिया का जो इंटरव्यू हमारे सामने आया है उसमें आशिका भाटिया ने फेम ग्रुप को लेकर कुछ ऐसी बातें कही है जो कि एविक्शन के बाद भी आपका दिल जीत लेगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो कि घर के अंदर रहते हुए भी जनता का दिल तोड़ते हैं और घर के बाहर आने के बाद वो अपने इंटरव्यू के दौरान अपनी पूरी बातों से पलट जाते हैं। खैर दोस्तों, बात करते हैं आशिका भाटिया के इंटरव्यू के बारे में, तो उन्होंने अपने फेम ग्रुप की जमकर तारीफ की है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि उनका जो ग्रुप है वो सबसे निराला था। उनका ग्रुप हर किसी को एक पॉजिटिव वाइब देता है। और दोस्तों, जब उनसे उनके एविक्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं एविक्ट हुई हूँ, मैं बिल्कुल सही जगह एविक्ट हुई हूँ और मैं अब इस शो के अंदर और खुद नहीं रहना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने खुद सामने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल फेयर डिसीजन लिया गया है और मुझे ही शो से बाहर होना था, मैं खुद नहीं रहना चाहती थी उस माहौल के अंदर। वहीं दोस्तों, आगे बात करते हुए उन्होंने एल्विस के बारे में बताया कि उन्होंने एल्विस के बारे में जैसा वो सोच कर गई थी, एल्विस उससे पूरी तरीके से अलग निकला। आशिका ने बताया कि एल्विस के बारे में मैं ऐसा सोचती थी कि जब मैं पहली बार उससे मिलूंगी तो हो सकता है कि मैं उसको मार दूं या उसके ऊपर हाथ उठा लूं, लेकिन जब मैं उनसे पहली बार मिली तो उनकी जो इमेज है वो वाकई पूरी तरीके से अलग है। वो अपनी रील वाली दुनिया में, वीडियो वाली दुनिया में अलग होते हैं, रोस्टिंग वाली दुनिया में अलग होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उनका दिल बहुत बड़ा है, बहुत साफ दिल के हैं और वो एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी रखते हैं। वहीं दोस्तों, फुकरा इंसान के बारे में बात करते हुए आशिका भाटिया ने बताया कि अभिषेक बहुत ही अच्छा आदमी है, वो जब भी मैं कहीं गलत होती थी तो वो मुझे बताता था, सही डायरेक्शन देता था। हालांकि कहीं ना कहीं मेरी कमी थी कि मैं उसको सही सुनती नहीं थी, आई एम नॉट ए गुड लिसनर, और इसमें मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन अभिषेक ने अपनी दोस्ती के दौरान मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और हर जगह मेरे लिए स्टैंड भी लेता था। वहीं मनीषा रानी के बारे में बात करते हुए कहा कि मनीषा रानी ने घर के अंदर उनका काफ़ी अच्छे से एक बहन की तरह ख्याल रखा था। मनीषा ने कभी भी घर के अंदर रहते हुए उनको घर की कमी को महसूस नहीं होने दिया। वो ऐसा फील कर रही थी मनीषा के होते हुए जैसे कि अपने ही घर में अपनी बहन के साथ रह रही हो। जी हां दोस्तों, यहां पर आशिका भाटिया ने मनीषा रानी की भी जमकर तारीफ की है, लेकिन दोस्तों जब उनसे ये पूछा गया कि आप शो का विनर किसे मानते हैं, तब उन्होंने जो जवाब दिया वो वाकई फैंस का दिल जीत लेगी। जी हाँ दोस्तों, आशिका भाटिया ने बताया कि वो शो में इन तीनों में से कोई भी ट्रॉफी जीते, उनके लिए जो विनर है वो ये तीनों सदस्य हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अपनी टीम के सदस्य यानी कि अपने जो दोस्त हैं उन तीनों को विनर बता चुकी है। उन्होंने कहा है कि ट्रॉफी तो केवल एक चीज होती है रखने के लिए, लेकिन असली चीज होती है फैंस का दिल रखना, और वो सब हमने रखने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि घर के बाकी कंटेस्टेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने बताया कि अविनाश और पूजा बिल्कुल भी अच्छी पर्सनालिटीज नहीं है और नेगेटिव वाइब्स देते हैं, उनके पास बैठने का किसी का मन तक नहीं करता है, दिन भर वो इधर की उधर चुगली करना जानते हैं, इसके अलावा उनके पास और कोई भी कंटेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अविनाश और पूजा भट्ट से वो वापस कभी मिलना नहीं चाहती है, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है, लेकिन फुकरा इंसान मनीषा रानी और एल्विश यादव के साथ वो मरते दम तक दोस्ती निभाना चाहती है। खैर दोस्तों, आशिका भाटिया ने तो एविक्शन के बाद भी जनता का दिल जीत लिया, जो कि वाकई काफी तारीफ के काबिल है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरे इंटरव्यू को लेकर, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। यदि आप भी फेम ग्रुप के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।